हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल बच्चा पार्टी। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू द सेशन। नमस्ते गोपाल, गुड मॉर्निंग पुष्पिंदर, गुड मॉर्निंग, हेलो सौम्या। कैसी है बच्चा पार्टी, कैसा रहा फिर बच्चों का क्रिसमस। मस्त मस्त रहा क्रिसमस बच्चा पार्टी का, क्या बात है, ग्रेट। ओके ग्रेट ग्रेट, झकास। दर्शन रावल, अरे यार दर्शन रावल भी आया, क्या बात है, एकदम मस्त। ओके स्टूडेंट्स, सो कितने बच्चों ने पार्टी करी कल, क्रिसमस पार्टी। ऐसे तो अब कोरोना में तो पार्टी भी नहीं हो रही होगी, है ना बच्चों। न्यू कोरोना स्ट्रेन भी आ चुकी है, अब पता नहीं नेक्स्ट ईयर क्या होगा बच्चों। लॉकडाउन, बोर्ड्स, बड़ा ही कुछ होने वाला है ना बच्चा पार्टी। ओके इसका मतलब तो सारों ने कल फिर पार्टी वार्टी करी। चलो कोई बात नहीं, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके ग्रेट। सुपामा, हाय सुपामा, हेलो धीरज, हाय दीक्षा। ओके तो बच्चा पार्टी अब न्यू ईयर भी आ रहा है, क्या प्लानिंग चल रही है न्यू ईयर की, क्या प्लान कर रही है बच्चा पार्टी न्यू ईयर का, बताओ जल्दी से। क्या क्या बच्चों ने रेजोल्यूशन लिया है न्यू ईयर का, रेजोल्यूशन फॉर न्यू ईयर, नीट का एग्जाम। ओके क्योंकि सारे बच्चों को बड़ा शौक रहता है कि न्यू ईयर आएगा हम एक कोई ना कोई न्यू रेजोल्यूशन लेंगे, तो फिर हमारे बच्चों ने कौन कौन सा रेजोल्यूशन लिया है। झारखंड जाना है टूर पे, वाह क्या बात है। ओके, रीच माई टारगेट एंड क्रैक नीट, दैट्स ग्रेट। गोपाल 720/720, ओके वेरी गुड। रिधि, मेक माई ऑल सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग, वेरी गुड, क्या बात है बच्चा, तुम तो अच्छे अच्छे बिल्कुल। ये देखो, ये बैक बेंचर देखो, ये भी रेजोल्यूशन होता है बेटा, अगर अभी तक नहीं ना हुआ आगे भी नहीं होगा, ये आगे भी नहीं होगा। नो पार्टी सौंदर्या, ओके पार्टी तो वैसे इस साल भी नहीं हुई होगी बिल्कुल भी कोरोना ने नहीं अब पार्टी करनी देनी बिल्कुल भी, अब तो पार्टियां वार्टियां सारी कैंसल। वन शॉट, वन शॉट कब आएगा, कौन से चैप्टर का वन शॉट। रेयान कौन से चैप्टर का वन शॉट चाहिए। ओके चलो जी चलो, ग्रेट ग्रेट। चलो बच्चा पार्टी शुरू करते हैं फिर हम आज का सेशन बच्चों। तो बच्चों जैसे आज आपको पता लग ही गया है कि हम आज बच्चों जेनेटिक्स करने वाले हैं। हम ऑलरेडी हमारी जेनेटिक्स बहुत ही औसम चल रही है बच्चों, जिसमें हमने अभी तक मेंडल ने क्या काम किया था, कौन कौन से मेंडल ने क्रॉसेस किए थे, हमने वो सारे क्रॉसेस बच्चों डिटेल में कर लिए हैं और उसकी हमने बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी कर ली है। आज के सेशन में बच्चों हम पढ़ेंगे कि किस तरह मेंडल के बाद, मेंडल की डेथ के बाद जो भी पोस्ट मेंडेलिज्म हुआ, जो भी मेंडल के बाद रिसर्चेज हुई, आज हम उनको वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, चलिए जी। सो स्टूडेंट्स, आर यू रेडी फॉर द सेशन, जल्दी से डैब इन द चैट बॉक्स, जल्दी बच्चा पार्टी डैब इन द चैट बॉक्स। यस ग्रेट। चलो बच्चों तो शुरू करते हैं बच्चों आज का हमारा टॉपिक, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। बट उससे पहले जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जो भी कोई नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पर मिलती रहे बच्चों, राइट। देन बच्चों ये है बच्चों वेदांतु नीट प्रो सब्सक्रिप्शन के ऊपर 50% ऑफ बिग डिस्काउंट ऑफर फॉर द लिमिटेड पीरियड। तो बच्चों जिन्होंने भी अभी तक वेदांतु नीट प्रो सब्सक्रिप्शन नहीं ली है वो जल्दी से ले लीजिए क्योंकि इस पे बहुत अल्टीमेट डिस्काउंट आपको मिल रहा है। एंड बच्चों वेदांतु नीट प्रो सब्सक्रिप्शन में आपको 5000 प्लस आवर्स की लाइव ऑनलाइन टीचिंग, इसमें आपको 20 प्लस मास्टर टीचर्स और आपको इसमें 10000 से भी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलते हैं बच्चों, और साथ में आप माइक्रो कोर्सेज की हेल्प के साथ अपने वीक टॉपिक्स को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। एंड बच्चों इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की फुल एक्सेस मिलती है, इसमें आप अनलिमिटेड डाउट्स क्लियर कर सकते हो अपने मास्टर टीचर से। एंड बच्चों आराम से घर पे सेफली बैठ के आप नीट की फुल प्रेपरेशन भी कर सकते हो। एंड बच्चों ये सब्सक्रिप्शन आपको 1 मंथ, 3 मंथ्स के लिए अवेलेबल है। इसमें देखिए आप बच्चों अगर आप SAG Pro कोड अप्लाई करोगे तो जस्ट फॉर 3750 इतने कम प्राइस में बच्चों, देखिए इतने कम प्राइस में आपको सब्सक्रिप्शन मिल रही है। इसका लिंक बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर आप SAG Pro कोड अप्लाई कर सकते हो और अल्टीमेट डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हो, राइट बच्चा। और ये है बच्चों आज का हमारा शेड्यूल जिसमें सुबह केमिस्ट्री, देन उसके बाद zoology, नाउ वी आर डूइंग बॉटनी, इसके बाद फिर से केमिस्ट्री, देन बॉटनी, यहाँ पे बॉटनी, यहाँ पे zoology लिखा हुआ है, यहाँ बॉटनी आएगा, ट्रांसपोर्ट, देन 2 फिजिक्स, देन zoology, और फिर बच्चों 2 सेशन आपके रहने वाले हैं केमिस्ट्री के। तो चलिए बच्चों आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं पोस्ट मेंडलिज्म। अच्छा बच्चों बताओ कितने बच्चे हैं जिनको अभी तक हमने जो भी जेनेटिक्स पढ़ी, मेंडलिज्म पढ़ा, मेंडलिज्म के क्रॉसेस हमने पढ़े जितने भी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, आउट क्रॉस, वो सारे क्लियर हैं। तो जल्दी से बच्चों चैट बॉक्स में लिख दीजिए क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, जल्दी से जिन बच्चों का अभी तक क्लियर है सारा। ओके गोपाल, दर्शन, ग्रेट, सौम्या, ओके बच्चा पार्टी। चलिए बच्चों तो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों पोस्ट मेंडलिज्म। देखो बच्चों पोस्ट मेंडलिज्म में मैंने आपको क्या बताया था, जब हमने स्टार्टिंग में जेनेटिक्स शुरू करी थी तो मैंने आपको बताया था कि जेनेटिक्स को हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में, प्री मेंडलिज्म, मेंडलिज्म एंड पोस्ट मेंडलिज्म। प्री मेंडलिज्म एंड मेंडलिज्म हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। पोस्ट मेंडलिज्म का मतलब हुआ मेंडल के बाद जो भी वर्क हुआ जेनेटिक्स के ऊपर उसको हम बोलते हैं पोस्ट मेंडलिज्म। अब देखो कैसे बोल सकते हैं हम, आफ्टर रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क। अब जब मेंडल का वर्क रीडिस्कवर हुआ था, 3 साइंटिस्टों ने मेंडल का वर्क रीडिस्कवर किया था बच्चों। कौन कौन से साइंटिस्ट थे बच्चों जल्दी से बताइए, कार्ल कॉरेंस, ह्यूगो डी वेरीज एंड टशरमाक, ठीक है। इन तीनों साइंटिस्ट ने बच्चों मेंडल का वर्क रीडिस्कवर किया था, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि 1900 ऑनवर्ड्स जो भी कुछ हुआ उसको हम कंसीडर करते हैं पोस्ट मेंडलिज्म में। अब देखिए बच्चों अभी तक जो मेंडल ने वर्क किया था ना बच्चों, मेंडल ने क्या कहा था आप समझिए इस चीज को। जैसे बच्चों ये एक क्रोमोसोम है और इस तरह से हमारे पास एक होमोलोगस पेयर है क्रोमोसोम का। अब इसके ऊपर बच्चों यहां पर जीन पड़ी है, उस जीन की 2 एलील है, ऑल्टरनेट फॉर्म है कैपिटल ए स्मॉल ए। तो मेंडल ने तो ऐसा कुछ जीन बोला नहीं था, उसने तो जस्ट फैक्टर बोला था, बट हमें आज के टाइम में ये चीजें पता हैं। अब ये बच्चों क्या है, ये है एक जीन, 1 जीन 2 एली, एक जीन है दो एलील हैं, ठीक है। तो मेंडल ने सिर्फ इसी की बात करी थी, बट बच्चों इसके अलावा भी कई बार जीन्स इंटरैक्ट करती हैं, तो उस चीज को हम बोलते हैं जीन इंटरैक्शन। और कभी बच्चों जो जीन्स इंटरैक्शन होती है वो या तो होमोलोगस वाली, ये जो होमोलोगस वाली एक ही जीन है उसमें इंटरैक्शन हो सकती है, या फिर बच्चों कई बार नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स पड़ी होती हैं बिटवीन द टू जीन्स भी इंटरैक्शन हो सकती है, उस चीज को हम बोलते हैं जीन इंटरैक्शन, ठीक है। अब बच्चों एक चीज आपको इसमें आप हमेशा याद रखनी है कि जब भी कभी जीन इंटरैक्ट करेंगी तो सिर्फ और सिर्फ फिनोटाइप में डिफरेंस आएगा, कभी भी जीनोटाइप में डिफरेंस नहीं आता। जैसे देखिए यहां पे जीन्स इंटरैक्ट टू मॉडिफाई फिनोटाइप, जीन्स इंटरैक्ट करेंगी उससे फिनोटाइप मॉडिफाई होगा, कभी भी जीनोटाइप मॉडिफाई नहीं होगा। और आज के सेशन के लास्ट में जब हम कंक्लूजन निकालेंगे तो आप वहां पे देखोगे कि वहां पे आपको पता चलेगा कि सिर्फ और सिर्फ फिनोटाइप मॉडिफाई हुआ, जीनोटाइप कभी भी मॉडिफाई नहीं होता। जीनोटाइप हमेशा वैसे ही रहेगा, जैसे हम वो पुनेट स्क्वायर बनाते हैं उतने डब्बे बनेंगे, वैसे ही हम उसमें सारे जीनोटाइप लिखेंगे। क्लियर? ओके, सो केविन पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर टिप्स देंगे आपको, ठीक है। पहले इसको पढ़ लेते हैं, चलो जी। उसके बाद देखिए बच्चों अब जीन इंटरेक्शन होता क्या है। बच्चों देखिए जैसे मैंने आपको बताया जो जीन इंटरेक्शन है वो एक ही जीन, जैसे यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए क्या है, ये एलील है। वन जीन मतलब एक जीन का मतलब हुआ इंट्राजेनिक, ठीक है, इंट्राजेनिक या फिर एलीलिक इंटरेक्शन। वन जीन भी बोल सकते हैं, इंट्राजेनिक भी बोल सकते हैं, एलीलिक इंटरेक्शन भी बोल सकते हैं, मतलब इंटरेक्शन बिटवीन एलील ऑफ द सेम जीन। क्लियर बच्चों? एग्री? अब इसके अलावा आप देखिए या फिर क्या हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया टू जीन्स के बीच में, अगर दो के बीच में हो रही है तो हम वर्ड यूज करेंगे इंटरजेनिक इंटरेक्शन या फिर बच्चों नॉन एलीलिक इंटरेक्शन। अब देखिए यहां पे जैसे ये एक होमोलोगस पेयर है, ये एक होमोलोगस पेयर है, इस होमोलोगस पेयर पे इस ए जीन की दो अल्टरनेट फॉर्म है एलील, इस बी जीन की दो अल्टरनेट फॉर्म है कैपिटल बी स्मॉल बी। अब अगर ये आपस में इंटरैक्ट कर जाएं, अब देखो ये दोनों आपस में तो एलील है ही नहीं, तो इसको हम बोलेंगे नॉन एलीलिक इंटरैक्शन, ठीक है। क्लियर? तो इंटरैक्शन बिटवीन एलील ऑफ द टू डिफरेंट जीन और नॉन एलील इज कॉल्ड नॉन एलीलिक इंटरैक्शन। एग्री? क्लियर बच्चा पार्टी? यहां तक समझ में आ गया सबको? चलिए तो नेक्स्ट उसके बाद अब देखिए एग्जांपल्स। अब बच्चों जीन इंटरैक्शन, अगर हम वन जीन इंटरैक्शन की बात करें तो उसकी एग्जांपल क्या है, देखिए एग्जाम्पल है बच्चों इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आज हम पढ़ेंगे इस चीज को। देखो बच्चों ये कंसेप्ट बहुत ही इजी है और मैं तुम्हें गारंटी देता हूं बच्चों इसके ऊपर पक्का हर साल नीट में क्वेश्चन आता ही आता है। आप किसी भी साल का नीट का पेपर निकाल के देख लेना, इनमें से किसी ना किसी के ऊपर पक्का क्वेश्चन आता ही आता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मल्टीपल एलील्स। कई बार तो ऐसे होता है कि इतने से टॉपिक में से 2 या 3 क्वेश्चन भी आए हुए हैं नीट में, तो इसलिए आज का टॉपिक ध्यान से समझो ताकि आज के टॉपिक को ध्यान से समझती आपके 4 से 8 नंबर तो पक्के हो जाएं, ठीक है। क्लियर? अब देखिए वन जीन में कौन कौन सी एग्जांपल है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलील, प्लियोट्रॉपिक जीन, ठीक है। ये सारी चीजें हम 1 by 1 पढ़ेंगे। और अगर हम इंटरजेनिक की बात करें बच्चों, इंटरजेनिक में एग्जांपल है कॉम्प्लीमेंट्री जीन एंड एपिस्टेटिक जीन। वैसे बच्चों अगर हम हमारी एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में इन टू जीन इंटरेक्शन के बारे में कुछ भी नहीं बताया हुआ, तो ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, पर हम इसको भी थोड़ा करेंगे ब्रीफ में, बट ये तो बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सारे बच्चों ने इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। क्लियर बच्चा? चलिए जी। अब देखिए बच्चों अब ना इस चीज को समझने से पहले मैं आपको एक और कंसेप्ट समझाता हूं, क्योंकि ये कंसेप्ट आपको समझ आना बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव करैक्टर। देखो नाम से क्या पता लग रहा है, क्वालिटेटिव करैक्टर का मतलब कि यहां पे जो करैक्टर्स होंगे वो क्वालिटी बेस्ड होंगे, या फिर बच्चों क्वांटिटेटिव करैक्टर का मतलब कि वहां पर जो करैक्टर होंगे वो क्वांटिटी बेस्ड होंगे। अब यहां पे जो क्वालिटी और क्वांटिटी की बात हो रही है वो किस चीज की क्वालिटी और क्वांटिटी की बात हो रही है बच्चों? एलील्स की। देखिए क्वालिटेटिव करैक्टर, दिस करैक्टर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील। अब जो बच्चों मेंडल था ना, मेंडल ने जितनी भी रिसर्च करी वो सारी रिसर्च में उसने सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव करैक्टर्स की ही बात करी थी, उसने कभी भी क्वांटिटेटिव की बात करी ही नहीं। ठीक है, समझ में आया? अब क्या मतलब हुआ इस क्वालिटेटिव का कि जो करैक्टर है वो डोमिनेंट एलील के ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ये चीज बच्चों आपके दिमाग में कभी ना कभी जेनेटिक्स पढ़ते आई होगी। अगर आपके दिमाग में ऐसा डाउट है तो आज आपका वो डाउट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, मेंडल ने जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था तो उस मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या आ रहा था? कैपिटल डी स्मॉल टी स्मॉल टी। अब यहां पे मुझे बताइए इस जीनोटाइप कैपिटल टी में नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील कितने हैं? 2। ठीक है, यहां पे डोमिनेंट एलील कितने हैं? 1। ठीक है, और यहां पे बच्चों ये तो ड्वार्फ है, यहां तो कोई डोमिनेंट एलील था ही नहीं। ठीक है, अब जब मेंडल ने क्रॉस किया था तो मेंडल ने स्मॉल टी वाले को क्या बोल दिया था बच्चों? ड्वार्फ। ठीक है, उसके बाद उसने कैपिटल टी को क्या बोला था बच्चों? टॉल। अब बच्चों एक्चुअल में सोचने में तो क्या लगता है, अगर हम नेचुरली सोचें तो सोचने में तो हमें यही लगेगा कि यहां पर मीडियम आएगा। क्यों मीडियम आएगा, समझिए इस बात को पहले। यहां कैपिटल टी 2 डोमिनेंट एलील है, यहां कैपिटल टी स्मॉल टी 1 है, तो हमें लगता है कि शायद ही कैपिटल टी वाला ज्यादा टॉल होगा एज कंपेयर टू कैपिटल टी स्मॉल टी। बट ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो ये हाइट का करैक्टर है पी प्लांट के अंदर, ये करैक्टर बच्चों क्वालिटेटिव करैक्टर है। इसमें अगर एक भी डोमिनेंट एलील आ गया तो वो डोमिनेंट एलील उसको प्रॉपर उतना ही, देखो 10 सेंटीमीटर, तो इसलिए बच्चों मेंडल ने इसको टॉल बोला था। ठीक है, इसीलिए मेंडल ने इसको टॉल बोला था। क्लियर बच्चों, समझ में आया ये कंसेप्ट अच्छे से? एग्री? तो यहां पे क्वालिटी की बात हो रही है। ठीक है, जब भी डोमिनेंट एलील आया तो उसने जो करैक्टर था वो जितना उसका पोटेंशियल है उतना ही एक्सप्रेस करवा देना है उसको। तो ये बात हुई बच्चों क्वालिटेटिव करैक्टर की। बट अगर हम बात करें बच्चों क्वांटिटेटिव की, देखिए दिस करैक्टर इज डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील। बच्चों ये जो करैक्टर होते हैं इसमें डिपेंड करता है कि कितनी डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है। बच्चा पार्टी देखिए, अब यहां पे सेम एग्जांपल के साथ ही हम समझते हैं। वैसे तो बच्चों जो हाइट है वो हाइट में कभी भी क्वांटिटेटिव नहीं होता, बट यहां पे मैं यूज कर रहा हूं सेम एग्जांपल ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब अगर बच्चों आपको हाइपोथेटिकल ये बता दिया जाए कि जो मेंडल ने पी प्लांट की हाइट का करैक्टर लिया था वो कंट्रोल हो रहा है क्वांटिटेटिव तरीके से, अगर वो क्वांटिटेटिव तरीके से कंट्रोलर है तो क्या फर्क पड़ेगा? अब देखिए कैपिटल टी क्या है? 10 सेंटीमीटर। यहां पे स्मॉल टी क्या है? 5 सेंटीमीटर। अगर वो क्वांटिटी से फर्क पड़ रहा है तो बच्चों यहां पे तो डोमिनेंट एलील 1 है, तो देखिए यहां पे दोनों का मिड आ गया बच्चों 7.5 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि यहां पे क्वांटिटेटिव से फर्क पड़ रहा है। ठीक है, और क्वांटिटेटिव में भी बच्चों देखिए, अब ये मुझे बताइए आप, जो कैपिटल टी और स्मॉल टी 2 एलील हैं हमारे पास, वो 1 जीन की है या 2 जीन की है? जल्दी बताइए, 1 जीन है या 2 जीन? जल्दी बताओ बच्चों। बिल्कुल ऋषभ सही, 1 जीन। 1 जीन है ना, तो अगर ये 1 जीन है ना बच्चों तो हम इसको एक और नाम भी दे देते हैं, मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। मोनोजेनिक इनहेरिटेंस अगर एक है। अब बच्चों अब आपको, अगर आपने जेनेटिक्स थोड़ी सी भी पढ़ी हुई, आपको अब मजा आएगा ये सुन के कि अगर मान लो बच्चों यहां पर एक से ज्यादा जीन हो जाएं, जैसे मान लीजिए कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई अगर ऐसा हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। उसको बच्चों हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। और वो जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है उसकी बेस्ट एग्जाम्पल होती है बच्चों हमारी स्किन का कलर। ह्यूमन स्किन कलर इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। बट यहां पे अगर एक ही जीन है तो उसको हम बोलेंगे मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। अब आपको पता है कि ह्यूमन के स्किन कलर की जो एलील्स होती हैं उनमें जितनी ज्यादा डोमिनेंट एलील होंगी उतना ज्यादा ही कलर में वेरिएशन आ जाता है। क्लियर? बाकी कोई बात नहीं, अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का अलग से हम सेशन लेंगे। यहां तक कितने बच्चों को ये कंसेप्ट समझ में आया अच्छे से? कितने बच्चों को मजा आया ये जान के? डिफरेंस पता लगा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव में फर्क क्या होता है, ठीक है? एग्री बच्चों? तो अब बच्चों हम क्या करते हैं, अब हम जो हमारा आज का टॉपिक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, उसको हम इस चीज से रिलेट करते हैं। अब देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अब आपको नाम से क्या लग रहा है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब कि जैसे मान लो आप कोई पढ़ाई कर रहे हो, आपने कोई चैप्टर किया, आप वो चैप्टर अगर आपका पूरा नहीं हुआ तो आप क्या बोलते हो? इनकम्प्लीट है वो चैप्टर, है ना, इनकम्प्लीट है वो चैप्टर। अब यहां पे बच्चों इनकम्प्लीट है वो डोमिनेंस, मतलब कि जो रियल करैक्टर आना था, जो रियल इफेक्ट आना था, वो रियल इफेक्ट नहीं आया, वो इनकम्प्लीट रह गया, वो इनकम्प्लीट रह गया बच्चों। तो कैसे रहा इनकम्प्लीट, अब उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए बच्चों जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोजेनिक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? मोनोजेनिक। अभी अभी मैंने आपको बताया मोनोजेनिक का मतलब क्या होता है, मोनोजेनिक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। और साथ में बच्चों हम इसको फिनोटाइप ब्लेंडिंग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं हम इसे फिनोटाइप ब्लेंडिंग, अभी मैं आपको समझाऊंगा। ये मोनोजेनिक वाला पॉइंट क्लियर है? अब देखिए आपको ये चीज पता है बच्चों, हम ऑलरेडी ये चीज पढ़ चुके हैं, एक्सेप्शन ऑफ मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल ने जो डोमिनेंस का लॉ दिया था उसकी दो एक्सेप्शन थी। कौन कौन सी बच्चों? एक तो थी इनकम्प्लीट डोमिनेंस और दूसरी थी बच्चों यस कोडोमिनेंस, दूसरी थी कोडोमिनेंस, ठीक है। क्लियर निशांत? क्लियर हो गया सारी चीजें? ओके, सो कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस आर द एक्सेप्शंस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। देन इन दिस इंट्रैक्शन डोमिनेंट एलील इज नॉट फुली डोमिनेंट ओवर रिसेसिव। नॉट फुली का मतलब बच्चों, नॉट फुली इज इनकम्प्लीट डोमिनेंट ओवर रिसेसिव एलील, ठीक है। हम अभी एग्जांपल से भी समझेंगे। तो इन हेट्रोजाइगस कंडीशन एन इंटरमीडिएट फिनोटाइप अपीयर। बच्चों यहां पे देखिए हेट्रोजाइगस कंडीशन में इंटरमीडिएट फिनोटाइप आएगा, बट मेंडल के जितने भी क्रॉसेस है वहां पे हेट्रोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट इफेक्ट ही आता था, ठीक है। यहां पे क्या आया? इंटरमीडिएट फिनोटाइप, ठीक है। उसके बाद F1 हाइब्रिड डज नॉट रिजेंबल टू एनी ऑफ द पेरेंट। अब ये सारी पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आएंगे जब हम एग्जांपल करेंगे बच्चों। देन बच्चों इन दिस इनहेरिटेंस फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो आर ऑब्टेन्ड सेम। एंड बच्चों ये डिस्कवर किसने किया था? कार्ल कॉरेंस ने। किस प्लांट में? मिराबिलस जलापा, जिसको हम 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं और इसका एक कॉमन नाम भी होता है, शायराना नाम है इसका, गुलेबंस, ठीक है, गुलेबंस। समझ आया बच्चा बाटी? बिल्कुल सही। चैतन्या, चैतन्या यस डॉग फ्लावर में भी होता है, यहां पे बट डिस्कवर इसको कार्ल कॉरेंस ने मिराबिलस जलापा में किया था, ठीक है। चलो जी गुलेबंस, अब हम देखते हैं गुलेबंस में किस तरह से कार्ल कोरेंस ने ये सारी चीजें देखी थी बच्चों। अच्छा मुझे ये बताओ ये मिराबिलस जलापा को 4 o'clock प्लांट क्यों कहते हैं? पता है किसी बच्चे को? 4 बजे प्लांट, 4 बजे प्लांट, 4 बज गए हैं, गाना भी था ना 4 बज गए हैं पार्टी अभी बाकी है, 4 बज गए हैं, मिराबिलिस जलापा अभी बाकी है। बताओ बताओ, बिल्कुल सही, 4 बजे खिलता है खिलता है, यस 4 बजे खिलता है, ओपन हो जाता है, यस बच्चों इसके जो फ्लावर होते हैं वो 4 बजे ओपन हो जाते हैं, ठीक है। वैसे एग्जैक्ट 4 बजे नहीं कि 4 बजे वो ओपन होते हैं, मतलब इवनिंग से टाइम को जब जितना 4 बजे का जो टाइम होता है उस टाइम पे, ठीक है गुलेबंस, ठीक है। चलिए जी, तो अब देखिए कैसे किया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस को कार्ल कोरेंस ने डिस्कवर। अब यहां पे बच्चों आपको एक चीज याद रखनी है, बहुत बार बच्चे होते हैं वो गलती करते हैं, जहां पे भी वो मिराबिलिस जलापा देखते हैं वहां पे वो ये सोच लेते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस है और क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो आपको ये चीज याद रखनी है बच्चों, फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जलापा, अगर फ्लावर कलर मेंशन है तभी मिराबिलिस जलापा आएगा, वरना मिराबिलिस जलापा नहीं आएगा बच्चों। इनकम्प्लीट डोमिनेंस तभी मानी जाएगी अगर फ्लावर कलर की बात हो रही है, ठीक है। चलिए देखिए, पेरेंट प्लांट लिए हमने रेड एंड व्हाइट, ठीक है। ये कुछ कुछ हमारे गुलाब जैसे दिख रहे हैं, गुलेबंस, ठीक है। तो आप इमेजिन कर लो कि ये मिराबिलिस जलापा ही है, ठीक है। तो रेड लिया, व्हाइट लिया। अब बताइए मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि अगर मेंडल इस क्रॉस को करता तो F1 जनरेशन में क्या आना चाहिए था बच्चों, अकॉर्डिंग टू मेंडल, अकॉर्डिंग टू मेंडल बच्चों क्या आना चाहिए था? यस, मेंडल के अकॉर्डिंग तो बच्चों रेड आना चाहिए था, बट यहां पे तो बड़ी हैरानी की बात है कि यहां पे तो कलर पिंक आ गया। तो फिर कार्ल कोरेंस बड़ा हैरान हुआ इस बात से कि ये कैसे पॉसिबल हो गया। तो फिर बच्चों ये कैसे पॉसिबल हुआ, अब मैं आपको समझाता हूं, आप इसको इजीली समझ जाओगे क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, मॉडर्न बच्चे हो, आपको पता है क्रोमोसोम क्या होता है। मेंडल को तो बेचारे को पता ही नहीं था क्रोमोसोम क्या होता है। देखिए बच्चों, अब यहां पे मान लीजिए बच्चों ये है कैपिटल आर और ये है कैपिटल आर, ठीक है। अब कैपिटल आर ये जो जीन है, जीन बेसिकली क्या है, डीएनए है, डीएनए से बनेगा आरएनए, आरएनए से बनेगी प्रोटीन और प्रोटीन करवाएगा रिएक्शन और उस रिएक्शन के बाद बच्चों आएगा कलर, ठीक है। अब यहां पे भी कैपिटल आर एक्सप्रेस किया, कलर आया। तो इन दोनों ने मिलके जो कलर बनाया वो कौन सा कलर बनाया, रेड कलर। क्लियर, समझ में आया रेड कलर क्यों आया। अब देखिए दूसरे केस में क्या हुआ, यहां पे बच्चों था कैपिटल आर और यहां पे है स्मॉल आर। अब देखिए बच्चों यहां पे कैपिटल आर ने तो रेड कलर बनाया बट स्मॉल आर ने तो रेड कलर बनाया ही नहीं, ठीक है। स्मॉल आर प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं हुए तो जिस वजह से बच्चों जो कलर रेड होना था वो प्रॉपरली रेड हुआ नहीं और हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो फ्लावर्स थे वो पिंक कलर के आ गए। तो इसका मतलब बच्चों एक चीज यहां पे आपको क्लियर हो रही है, मेंडल के अकॉर्डिंग क्या हो रहा था कि अगर एक भी डोमिनेंट एलील आ गई तो पक्का पूरा का पूरा कलर आएगा, ठीक है। बट यहां पे अगर एक डोमिनेंट एलील डेफिशिएंट है तो पूरा का पूरा इफेक्ट नहीं आया, तभी तो हमने क्या बोल दिया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तभी हमने बोला बच्चों इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एग्री, समझ में आया बच्चा पार्टी, यस क्लियर। तो इस तरीके से आप समझ जाओगे क्रोमोसोम लेवल पे भी किस तरह से इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती है और क्या रीजन होता है। अब जब यहां पे F1 जनरेशन आई, F1 जनरेशन के बाद हम क्या कर देते हैं, सेल्फिंग, और सेल्फिंग करने के बाद बच्चों देखिए क्या होगा। यहां पे एक चीज नोट करने वाली है, यहां पे देखिए इस तरीके से पुनेट स्क्वायर बना, 4 डिब्बे आए, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, एंड बच्चों यहां पे गलती हो गई टाइपिंग में, यहां स्मॉल आर आएगा, ठीक है, स्मॉल आर स्मॉल आर। एग्री। अब बच्चों देखिए यहां पे मुझे बताइए फिनोटिपिक रेशियो क्या आ रही है, पीआर, पीआर बताइए लिख के, पीआर फिनोटिपिक रेशियो क्या आ रही है बच्चों, यस 1:2:1। तो फिनोटिपिक रेशियो इज 1:2:1, ठीक है। जीनोटिपिक रेशो बच्चों 1:2:1। एग्री, समझ में आया? तो देखिए बच्चों, मैंने तुम्हें प्रीवियस सेशन में भी बताया था और आज तो प्रूफ भी हो गया कि जब कभी भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती है तो बच्चों फिनोटाइप रेशियो एंड जीनोटाइप रेशियो इक्वल आती है। एग्री? अच्छा बताओ, इससे पहले हमने ऐसा और कौन सा क्रॉस पढ़ा था जिसमें फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो सेम आती है? बताइए बच्चों। यस गोपाल, बिल्कुल सही। टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस में भी बच्चों फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो सेम आती थी। ठीक है जी, क्लियर, समझ में आ गया? तो ये बात हुई बच्चों इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, फिनोटिपिक रेशियो इज इक्वल टू जीनोटिपिक रेशियो। एग्री? चलिए जी, अब और एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब देखो बच्चों, मैं तुमसे यहां पे क्वेश्चन पूछता हूं, पहले देखते हैं कौन सा बच्चा गलत करता है। अब क्योंकि तुम, मैंने गलत इसलिए बोला क्योंकि तुम गलत करने वाले हो। अब मुझे बताओ, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक प्लांट है, उस प्लांट का नाम है मिराबिलस जलापा। मिराबिलस जलापा एक प्लांट है जी, ठीक है जी। मिराबिलस जलापा एक प्लांट ले लिया जी। अब देखिए इस प्लांट में इस तरह से फ्लावर लगा हुआ है और इस प्लांट की हाइट है, मान लीजिए हम इसको ले लेते हैं 10 ले लेते हैं, ठीक है जी, क्लियर। अब बच्चों मुझे बताइए कि अगर ये प्लांट कैपिटल टी को मैं स्मॉल टी के साथ क्रॉस कर दूं तो मुझे आप बताइए कि F2 में फिनोटिपिक रेशियो कितनी आएगी? बताइए बच्चों, F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो कितनी आएगी? जल्दी बताइए। मिराबिलस जलापा में अगर हम, अभी ना बताओ 9:3 बेटा, 9:3:1 कहां से आ जाएगी? ये देखो सौम्या भी गलत कर रहा है, गोपाल ने सही बताया, ऋषभ ने सही बताया, मानसी गलत, अनामिका ने सही बता दिया, अंकिता ने गलत बताया। बेटा मैंने आपको बताया तो अभी अभी कि जब मिराबिलस जलापा लिखा हो तो ये जरूरी नहीं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगी। इनकम्प्लीट डोमिनेंस तो तब होगी जब मैं फ्लावर कलर की बात करूंगा। अगर मैं आपको ये बोलता तो इसमें बच्चों F2 में रेशियो पूछता, फिर आंसर आना था। तो अब देखिए बच्चों यहां पे क्या आंसर आएगा? यहां पे बच्चों आएगा 3:1 और यहां पे बच्चों आएगा 1:2:1, क्योंकि जो हाइट का करेक्टर है बच्चों वो थोड़ी ना इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है, सिर्फ और सिर्फ फ्लावर का कलर जो है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है। तुम फिर वही गलती कर देते हो। ठीक है, समझ आया बच्चों? तो गलती मत कर देना, मिराबिलस जलापा देखा और इनकम्प्लीट डोमिनेंस सोचा और लगा दिया, ऐसा नहीं करना। ठीक है जी, 3:1 आएगा। तो चलो अब हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस में और एग्जांपल देख लेते हैं। देखो एंटीराइनम मेजस डॉग फ्लावर, फ्लावर कलर बच्चों, यहां पे भी बच्चा पार्टी फ्लावर कलर है, ध्यान देना फ्लावर कलर है। यहां पे भी अगर एंटीराइनम मेजस का कोई और करेक्टर आया तो फिर वो जरूरी नहीं कि वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करेगा। ठीक है, तो यहां पे फ्लावर कलर, और इसको डॉग फ्लावर पता है क्यों कहते हैं बच्चों? अगर इस फ्लावर को आप देखोगे ना, बिल्कुल इसकी शक्ल डॉग के जैसी होती है, जैसे डॉग का मुंह होता है ना, माउथ, वैसा सा इसका होता है। ठीक है, चलिए तो अब इसमें देखिए, इसमें भी ये आपकी एनसीईआरटी की एग्जाम्पल है, तो इसमें भी रेड और व्हाइट होता है और उसके बाद बच्चों बनते हैं पिंक। ठीक है जी, क्लियर। स्नैपड्रैगन, यस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल एक और देख लेते हैं। ये भी ऐसे काफी बुक्स में दी होती है, एनसीईआरटी में नहीं दी तो ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों। एंडुलेशियन फाउल, मुर्गे, ठीक है। तो यहां पे देखिए अगर ब्लैक को व्हाइट के साथ करवाया जाए तो देखिए कैपिटल भी स्मॉल भी आएगा। अब मेंडल के अकॉर्डिंग तो क्या आना चाहिए था? ब्लैक, बट नो, यहां पे आते हैं ब्लू। ठीक है, तो ये भी बच्चों क्या है, ये भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन इन गार्डन पी प्लांट। बच्चों अब देखिए यहां पे कितनी जबरदस्त चीज आ गई है, गार्डन पी प्लांट। अब बच्चों गार्डन पी प्लांट के ऊपर किसने रिसर्च करी थी? मेंडल ने। मेंडल ने रिसर्च करी थी बच्चों, पर मेंडल ने जो 7 करैक्टर लिए थे उसमें देखो ये वाला करैक्टर तो उसने लिया ही नहीं। मैंने तुम्हें हर सेशन में बोला है कि मेंडल बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था। देखा उसकी इंटेलिजेंसी, अगर वो ये मान लो करैक्टर ले लेता फिर तो उसके रिजल्ट सेम ही नहीं आने थे, क्योंकि यहां तो फिनोटिपिक रेशियो 3:1 आती ही नहीं है बच्चों। यहां पे तो रेशियो क्या आती है, 1:2:1। ठीक है, ये देखिए कैपिटल बी, कैपिटल बी का मतलब लार्ज साइज स्टार्च ग्रेन। लार्ज साइज बच्चों स्टार्च ग्रेन होता है कुछ ऐसा सा, ऐसे लार्ज साइज स्टार्च ग्रेन होता है। और अगर हम यहां पे बात करें स्मॉल साइज, कुछ ऐसा सा। ठीक है, स्मॉल साइज और लार्ज साइज। और यहां पे बच्चों मेंडल के अकॉर्डिंग तो लार्ज साइज आना चाहिए था, बट यहां पे बच्चा पार्टी यहां पे मीडियम आ जाता है। ठीक है, यहां पे मीडियम साइज आता है। एग्री? ओके, समझ में आया? क्लियर। चलिए बच्चों, तो यहां तक देखो बच्चों मीडियम साइज हो गया, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। तो चलिए बच्चों जल्दी से मुझे ये क्वेश्चन करके दिखाइए, देखते हैं कौन करता है सबसे पहले। जल्दी 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 क्वेश्चन करिए। विद रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन इन पी प्लांट, लार्ज साइज स्टार्च ग्रेन प्लांट इज क्रॉस्ड विद medium size starch grain and produces 100 offspring. Find out the number of large, medium and small size respectively. अभिनव ने किया 25, 50, 25। ये देखो, ये ऋषभ देखो, ऋषभ कितना महान बच्चा है। ऋषभ, जागृति, रिधि कितने महान बच्चे हैं, कितने महान बच्चे हैं ये। ठीक है, कैसे क्यों महान बोल रहा हूं बेटा, टोटल तो 100 है, उनमें से तुम बोली जा रहे हो कि 200 लार्ज होंगे। वाह क्या बात है, 100 टोटल हैं और उसमें से 200 होंगे लार्ज साइज। कितना बढ़िया एनालिसिस है, वाह जी वाह, क्या बात है। 25, 50, 25। चलो देख लेते हैं, मुझे अब ऐसे तो याद नहीं है, निकाल लेते हैं इसको हम। देखो उसने कहा लार्ज साइज स्टार्च ग्रेन है। लार्ज साइज बच्चों कैपिटल बी, कैपिटल बी इज क्रॉस्ड विद मीडियम साइज, मतलब कि इसके साथ। ठीक है, तो अब उन्होंने कहा कि टोटल 100 है, तो लार्ज बताने कितने बनेंगे। तो अब इसमें देखो क्या आएगा, इसमें कैपिटल बी, कैपिटल बी, देन बच्चों कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर उसके बाद कैपिटल बी, कैपिटल बी एंड बच्चों कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है, यही आ रहा है सबका। अब देखिए अगर हम यहां पे ऐसे देखें, कैपिटल बी रेशो कैपिटल बी स्मॉल बी रेशो स्मॉल बी, तो क्या रेशो आई बच्चों, 1:0। ठीक है, तो 1:0। अब यहां पे देखिए अगर 100 है तो ये कितने बनेंगे, 50। ये कितने बनेंगे, 50। और जो स्मॉल वाले हैं वो तो बनेंगे ही नहीं। क्लियर, समझ में आया? देखिए हमें इसका सही आंसर क्या है। सही किया है हमने, देख लेते हैं। यस बच्चों बिल्कुल सही है हमारा। लार्ज भी 50 आएंगे और मीडियम भी 50 आएंगे। तुमने वो सीधा सीधा फंडा लगाया है ना गोपाल, सीधा सीधा कि 1:2:1, 1/4 करके निकाल दिया। कर दी गलती, जल्दी जल्दी के चक्कर में गलती कर देते हो, क्वेश्चन को समझते नहीं हो। ठीक है, समझ में आ गया? कितने बच्चों को समझ में आ गया? जल्दी से हार्ट इन द चैट बॉक्स, कितने बच्चों को ये समझ में आया? फिर एक और क्वेश्चन करेंगे ऐसा सा। दीक्षा, मैंने तो लगाया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, जिनका सही है वेरी गुड। ओके चलो जी, अब देखते हैं, अब देखते हैं। कई बच्चे बोल रहे हैं उनका सही था ये वाला, तो अब देखते हैं ये वाला करो। चलो, इन मिराबिलस रेड एंड व्हाइट फ्लावर प्रोड्यूसेस F1 जनरेशन। नाउ F1 जनरेशन इज टेस्ट क्रॉस producing 200 offsprings. How many of them are red, pink and white flowered? जल्दी से बच्चा पार्टी, देखते हैं कौन करता है सबसे पहले, गलत मत कर देना। जल्दी जल्दी निकालो। मानसी 25, 50, 25, ये तो हुए ही 100 बेटा, 200 है टोटल। 100 पिंक, 100 वाइट। ओके लेट्स सी, 100 पिंक 100 वाइट। ओके ओके 100 निकाल रहे हैं। चलो देखते हैं। अब देखो उन्होंने कहा मिराबिलस जलापा, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, कैपिटल आर स्मॉल आर उन्होंने करवा दिया टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का मतलब बच्चों, मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉसेस विद स्मॉल आर, यही आया टेस्ट क्रॉस। अब देखिए यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, ठीक है बच्चों। अब ये देखिए ये क्या है, ये कौन सा है पिंक, और ये कौन सा है बच्चों व्हाइट। तो इससे एक चीज तो क्लियर होगी बच्चों कि रेड तो कोई भी नहीं बनेगा, जीरो रेड आएगा, ठीक है, रेड जीरो आएगा। और हमारे पास पिंक और व्हाइट ये कितने आ जाएंगे बच्चों, 1:1 है, टोटल कितने हैं 200, तो कितने आएंगे 100 एंड 100, रेड आ जाएंगे 0, ठीक है। ओके तो चलिए अब हम देख लेते हैं सही आंसर है क्या हमारा। ये देखो पिंक टेस्ट क्रॉस किया, यस बच्चों, रेड 0, पिंक 100, व्हाइट भी 100। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जल्दी से बच्चों जिनको समझ में आ गया हार्ट इन द चैट बॉक्स और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितने बच्चों को इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझ में आ गया। फिर इसके बाद हम करेंगे को डोमिनेंस। ग्रेट, चलो जी, वाह क्या बात है, क्या बात है, रेड हॉट। ओके चलिए बच्चों, नेक्स्ट अब हम करते हैं को डोमिनेंस। अब जैसे बच्चों मैंने आपको बताया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस में मतलब इनकम्प्लीट होना, ठीक है। अब यहां पे क्या है को डोमिनेंस, मतलब कि दोनों के दोनों ही डोमिनेंट कर जाएंगे, दोनों बच्चों डोमिनेंट करेंगे यहां पर। तो देखिए बच्चों को डोमिनेंस में क्या होगा, ये भी पहले नंबर पे एक्सपेक्ट, वो गलती कर दी यहाँ पे, स्पेलिंग मिस्टेक, एक्सपेक्टेशन बताया हुआ, एक्सेप्शन, इट इज एक्सेप्शन ऑफ मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस। बच्चों ये एक्सेप्शन है मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस की। उसके बाद बच्चों इन दिस इंटरेक्शन हेट्रोजाइगस कंडीशन बोथ एलील आर इक्वली डोमिनेंट, दोनों एलील बच्चों इक्वली डोमिनेंट होंगे यहां पर। देखो मेंडल के जो क्रॉसेस थे नॉर्मल डोमिनेंस, उसमें क्या था, सिर्फ एक ही कंट्रोल कर लेता था सारी चीजों को, इनकम्प्लीट में एक का इफेक्ट दूसरे के ऊपर पूरा नहीं होता था, और यहां पे दोनों का इफेक्ट इक्वल ही आएगा, ठीक है। देन इन हेट्रोजाइगस कंडीशन एंड इंटरमीडिएट फिनोटाइप आर नॉट अपीयर। अब बच्चों देखिए हेट्रोजाइगस में इंटरमीडिएट नहीं आएगा यहां पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंटरमीडिएट आता है, वो इंटरमीडिएट नहीं होता, उसमें दोनों के दोनों अपीयर होंगे बच्चों। कोडोमिनेंस तभी होगा, इंटरमीडिएट नहीं होगा, इस पॉइंट को याद रखना बच्चों, ठीक है। F1 हाइब्रिड डज नॉट रिसेंबल टू बोथ द पेरेंट, किसी भी पेरेंट को रिसेंबल नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद In this inheritance, phenotypic and genotypic ratio are obtained same. यहां पे भी बच्चों phenotypic and genotypic ratio same आएंगी. ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल. सबसे पहली, काफी बच्चे लिख रहे हैं चार्ट बॉक्स में, कोट कलर इन कैटल्स. ये देखिए बच्चों, यहां पे बच्चों एक यूनिक चीज आपको क्या मिलेगी कि यहां पे आप देखो एलील अलग तरीके से हैं, B1, B2. अब भाई अगर दो एलील हैं, उन दोनों का एक्सप्रेशन इक्वल है, तो हम किसी को स्मॉल और किसी को कैपिटल क्यों लिखें? क्योंकि ऐसे तो एलील गुस्सा में कर जाएंगी. ठीक है, तो वो गुस्सा ना करें इसलिए हमने दोनों को ही कैपिटल बी लिख दिया, पर डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने 1 और 2 लिख दिया. ठीक है, क्लियर, क्योंकि दोनों डोमिनेंट हैं. अब देखिए यहां पे, ये देखो गाय काओ, ठीक है, कैटल, और यहाँ पे ये वाइट सफेद कैटल. अब इन दोनों की बच्चों मेटिंग होए. यहाँ पे ना एक चीज याद रखना, यहाँ पे वो मत लिख देना सेल्फिंग नहीं करते हम यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे सिब मेटिंग बोला जाता है. कभी भी हम एनिमल्स में बच्चों सेल्फिंग वर्ड ये नहीं यूज करते. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ से B1, B2. अब यहाँ पे बच्चों रॉन कलर बनता है. अब रॉन कलर का मतलब इसमें देखिए कुछ पार्ट व्हाइट और कुछ पार्ट ब्लैक. ठीक है, कहीं पर भी मिक्सिंग नहीं हुई है बच्चों, कहीं पर भी मिक्सिंग नहीं हुई है. दोनों कलर आ रहे हैं, व्हाइट भी आ रहा है, ब्लैक भी आ रहा है. ठीक है, इसको हम बोलते हैं रॉन कलर. ठीक है जी, अब देखिए इसकी, अब जब हम सिब मेटिंग करवाएंगे, नॉट सेल्फिंग बच्चों, सिब मेटिंग जब हम इसकी करवाते हैं तो उसमें क्या होगा बच्चों, देखिए सेम वही B1, B2. अब यहां पे रेशियो बताइए क्या आएगी, फिनोटिपिक रेशियो बताइए बच्चों. प्रियांशी वाइट अच्छी लग रही है, बताओ. अब इस पे भी लाइन मारोगे क्या तुम लोग, काओ पे? इस पे भी बताओ तुम, अच्छी लग रही है. कोई कुछ कह रहा है, कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहा है. पढ़ाई पे फोकस कर लिया करो, और ही चीजों में. कोई कह रहा है हट्टी कट्टी है काओ, वाह वाह क्या बात है, हट्टी कट्टी. मतलब तुम फोकस करो कंटेंट पे, डूब ही जाते हो भावनाओं में डूब जाते हैं बच्चे हमारे, है ना बच्चों. अमूल दूध पीती है, अमूल दूध ले, बताओ. ये देखो, ग्रेट, क्या बात है. चलो जी, तो बताइए यहाँ रेशो बिल्कुल सही, 1:2:1. और जीनोटिपिक रेशो बच्चों वो भी सेम ही आएगी, 1:2:1 बच्चों. तो हमारे पास बच्चों यहां पर देखिए 3 तरह के क्रॉसेस ऐसे हो गए जिनमें फिनोटिपिक रेशो एंड जीनोटिपिक रेशो सेम आ रही है. पहला टेस्ट क्रॉस, दूसरा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और तीसरा को डोमिनेंस बच्चों. ठीक है, क्लियर. अब देखिए बच्चों नेक्स्ट, ये एग्जांपल भी आपको पता होगी, ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस. अच्छा मुझे बताओ जल्दी से, चैट बॉक्स में अपना अपना ब्लड ग्रुप बताओ. ब्लड ग्रुप बताइए बच्चे, कौन से बच्चे का ए है, AB है, B है, O है. अब कोई और स्पीशीज नहीं होनी चाहिए चैट बॉक्स में, कुछ और ही लिख दो. ब्लड ग्रुप अपना दर्शन रावल, AB+. ओके, AB+, O+. अच्छा हम यहां पे देखते हैं, रुको एक सेकेंड, यहां पे सारे बच्चों का देखते हैं ब्लड ग्रुप कौन सा है. तो ये रहा आज का हमारा सेशन. ये क्या है, सर्वे करना चाहते हैं भाई, चलो भागो, हमें कोई सर्वे नहीं करना. ये देखिए बच्चों, अंकिता B+, सौंदर्या B+, रिधि A, धीरज B+, अंकिता. अच्छा एक चीज सुनो बच्चों, कल का जो हमारा सेशन होएगा संडे को, कल हम ना मल्टीपल एलील पढ़ने वाले हैं. मल्टीपल एलील पढ़ेंगे बच्चों कल हम, और मल्टीपल एलील में हम बेस्ट एग्जांपल है ब्लड ग्रुप की. ठीक है, तो कल हम फाइंड करने वाले हैं बच्चों कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, और अगर आपके पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ये है तो आपका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है. ठीक है, तो कल हम ये चेक करेंगे कौन सा बच्चा सच में उसी फैमिली का है, कि कौन सा बच्चा हॉस्पिटल में एक्सचेंज नहीं हुआ था, कल हम ये पता करेंगे. तो सारे बच्चों ने कल अपने पेरेंट्स के और खुद के ब्लड ग्रुप करके आने हैं. ठीक है, ध्यान याद करके आना, फिर मुझे बताना और फिर हम फाइंड करेंगे। ठीक है, आप पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप पता होगा हमें, फिर हम आपका फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चा पार्टी, तो कल सारे बच्चे, कल हमारा मल्टीपल एलील के ऊपर सेशन होगा। ठीक है, चलो तो अब हम देखते हैं इसमें और कौन कौन से बच्चे हैं। ये देखो गोपाल, अमिताभ बच्चन पॉजिटिव, वाह भाई, अमिताभ बच्चन पॉजिटिव पहले आया था, अब तो वो ठीक हो गया, अब तो उसका कोरोना ठीक हो गया। देखो पिछले साल कितना अच्छा होता था, पिछले साल पॉजिटिव वर्ड्स कितना पॉजिटिविटी के लिए यूज किया जाता था ना। अब तो अगर कोई बंदा कह दे कि मैं पॉजिटिव हूं, बस सारे बंदे उससे दूर ही भागने लग जाते हैं, है ना। आई थिंक आप समझ गए होंगे। बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, कोई बच्चा ओ नेगेटिव नहीं है क्या? ओ नेगेटिव बहुत रेयर होता है। ओ नेगेटिव, अब ऐसे ही मत लिख देना ओ नेगेटिव। ओ पॉजिटिव, ए प्लस, ए प्लस। अभिनव ओ नेगेटिव, ये देखो जॉय कृष्णा रॉय, वाह क्या नाम है, शायराना नाम, जॉय कृष्णा रॉय, जॉय कृष्णा रॉय, वाह जी वाह। अभिषेक, विनीता ए बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, आइए देखो कोरोना पॉजिटिव भी है अभी बच्चों यहाँ पे। ये कौन था बच्चा कोरोना पॉजिटिव वाला? भगा दो भाई इसको। ओ पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, क्योंकि बच्चों आपको पता है, आप कितने बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ पे वो मूवी देखी है सलमान खान की, सुल्तान मूवी? कितने बच्चों ने सुल्तान मूवी देखी है? सलमान खान सुल्तान, उसमें आपको पता है जो उसका, उसके बेटे की डेथ हो जाती है, उसके बेटे को ब्लड चाहिए होता है, उसके बाद वो ब्लड बैंक बनाता है। ये देखो कितने बच्चों ने देखी है। उसके बेटे को ना जो ब्लड ग्रुप चाहिए होता है वो ओ नेगेटिव होता है, उसको ओ नेगेटिव, क्योंकि ओ नेगेटिव बहुत ही रेयर है, ओ नेगेटिव बहुत रेयर है। कर दे चटाई, वाह रे सुल्तान, है ना। चलो जी, तो आई थिंक बच्चों काफी बच्चों ने अपना ब्लड ग्रुप बता दिया है, मुझे लगता है सबको पता ही होगा। ठीक है, कल जितनों को नहीं भी पता ना, सारे अपना ब्लड ग्रुप फाइंड आउट करके आएंगे और अपने पेरेंट्स का भी। ठीक है, और मैं ना बच्चों कोशिश करूंगा कि किसी दिन ना तुम्हें यहां पे प्रैक्टिकल करवाएंगे ब्लड ग्रुप का। ठीक है, ब्लड ग्रुप का प्रैक्टिकल करेंगे हम, पर फिर ब्लड कौन देगा? ब्लड तो दोगे नहीं आप, ऑनलाइन ब्लड कैसे दोगे तुम, है बच्चा पार्टी? ऑनलाइन फिर चैट में ब्लड भेजोगे तुम अपना कि सर ये लो चैट में हमारा ब्लड, है बच्चा पार्टी? चलो जी, पढ़ लो अब, कहीं तुम्हारी ना सुल्तान कर दे चटाई, कर दे चटाई, कर दे चटाई लगे हो। चलो तो कोडोमिनेंस बच्चों, ब्लड ग्रुप, ठीक है, ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलील में भी आएगा और यहाँ पे आई ए आई बी। ठीक है, उसके बाद ट्रेट ऑफ सिकल सेल एनीमिया, एच बी ए एच बी एस। बच्चों सिकल सेल एनीमिया में भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एच बी ए होता है उससे तो बच्चों जो अपना नॉर्मल आरबीसी होते हैं ऐसा सा होता है, बट एच बी एस की वजह से ना सिक्कल शेप हो जाते हैं, वो कुछ ऐसे से सिक्कल शेप हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी किसकी एग्जांपल है? कोडोमिनेंस की। एग्री? चलो जी, देन अब देखिए बच्चों, अब हम करते हैं कंपैरिजन। अब ये कंपैरिजन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों कंपैरिजन, कोडोमिनेंस रेड और व्हाइट, रेड प्लस व्हाइट दोनों आए जब सेल्फिंग करी थी। फिनोटिपिक रेशो क्या आई थी? 1:2:1, जीनोटिपिक रेशो 1:2:1। बट बच्चों देखिए यहाँ पे, अगर हम कंप्लीट डोमिनेंस की बात करें, अगर कंप्लीट डोमिनेंस होता बच्चों, फर्स्ट में ऑल रेड आए थे, यहाँ पे देखो रेड प्लस व्हाइट वाला आ गया था, पिंक आया था, और यहाँ पे बच्चों सेल्फिंग फिनोटिपिक रेशो 3:1। बच्चों अब आप याद करो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी जीन इंटरेक्शन होगी बच्चा पार्टी, तब ना सिर्फ फिनोटाइप में ही वेरिएशन आती है, कभी भी जीनोटाइप चेंज नहीं होता। देखो जीनोटाइप सेम का सेम ही रहा, जीनोटाइप बच्चों सेम का सेम रहा। क्लियर, समझ में आ गया? उसके बाद अब अगर हम इसी को कंपेयर करें इनकम्प्लीट, रेड व्हाइट पिंक, और यहां पे बच्चों देखिए 1:2:1, 1:2:1, तो ये बात हुई इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। क्लियर, समझ में आया बच्चों? चलिए बच्चों, तो अब ये क्वेश्चन करके दिखाइए। चलो बच्चों जल्दी से कौन करता है देखते हैं क्वेश्चन। In a dihybrid cross, when one pair of allele show incomplete dominance and other pair is complete dominance, तो F2 में क्या रेशियो आएगी? ऐसे क्वेश्चन देखो बच्चों मैंने बहुत करवा दिया, अब आपका सही आंसर आना चाहिए। हमने टेस्ट क्रॉस में भी ऐसा सा क्वेश्चन किया था, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये। C B ओके, लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। ए ओके, जल्दी 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 देखो, वन पेयर ऑफ एलील शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बच्चों फिनोटिपिक रेशो पूछा है, फिनोटिपिक रेशो में क्या आता है इनकम्प्लीट में? 1:2:1। और दूसरा बच्चों कंप्लीट डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस में बच्चों क्या रेशो आती है? 3:1। ठीक है जी, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3:1 देन उसके बाद 6 देन 2:3:1 ये आएगा आंसर, ए आएगा बच्चों। ए जितने बच्चों ने भी ये बताया बच्चों उन सारों का सही है, क्या बात है, वेरी गुड। ये क्वेश्चन बच्चों मैंने टेस्ट क्रॉस में भी आपको करवाया था, तब भी सारे बच्चे कर रहे थे सर क्या मजेदार क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, फिर भी गलत कर दिया बादों ने। ठीक है बच्चों, समझ में आया? सो द राइट आंसर इज 3:1:6:2:3:1। ठीक है बच्चों, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन करिए बच्चों। ये नीट का क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है बच्चों, इसमें 2 आंसर बनेंगे पर हमें चूज एक को ही करना है। तो क्या रीजन है कि हम एक को ही चूज करेंगे, बताइए जल्दी से। जल्दी जल्दी जल्दी, जब ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में तब भी बहुत बवाल हुआ था, बहुत ही बवाल हुआ था, क्योंकि इसके आंसर 2 बन रहे हैं पर हमने चूज एक करना होता है नीट में, तो ऐसा क्यों? अब देखो सारों ने गलत कर दिया, वाह, सारे बच्चे कह रहे हैं सी गलत है बच्चों, सी नहीं था इसका आंसर, इसका आंसर बी आएगा। देखो मेरी बात समझो, यहां पर क्यों इसका आंसर बी आएगा? यहां पे देखिए बच्चों, अगर हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करें और को डोमिनेंस की बात करें, इन दोनों में बच्चों क्या होता है? इन दोनों में ही बच्चों हमें पता है PR = GR होता है ना, तो ये तो कंफ्यूजन होगी। बट बच्चों ध्यान से देखिए इस वाले क्वेश्चन में ना, जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन में आपको मेंशन कर दिया गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगर बच्चों इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा फिर तो गारंटी है कि 1:2:1 ही आएगा। ठीक है, बट बच्चों अगर हम कोडोमिनेंस की बात करें, यहां पे कोडोमिनेंस में मेंशन नहीं है कि कौन सा क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड है या डायहाइब्रिड है। अगर बच्चों कोडोमिनेंस में डायहाइब्रिड क्रॉस हो गया तो फिर तो नहीं ये रेशियो आएगी, 1:2:1 और 1:2:1 सेम आ ही नहीं सकती। ठीक है, वैसे आप बिल्कुल सही हो कि सी में कोई ज्यादा इतना बड़ा कोई वो नहीं है, बट अब क्या करें, नीट वालों ने इसका आंसर बी दिया था और इसका रीजन ये था जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है बच्चों, तो कई बार बच्चों ऐसा हो जाता है कि आपको नीट में एक आधा क्वेश्चन तो मिल ही जाता है जिसमें 2 ऑप्शन आपको सही लग रही होती है, तो वहां पर आपको एक एप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, क्लियर? चलिए बच्चों, That's great and बच्चों that's all not। एक क्वेश्चन और रहता है, जल्दी जल्दी करिए बच्चों, जल्दी से बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ऐसा सा क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिया। When red flower are crossed with the white flower of Mirabilis jalapa, total 500 plants are produced. How many of each flower are produced? ये तो बहुत easy है। गोपाल भाई 250 और 500 1000 होता है और यहाँ पे टोटल 500 है। क्या कर रहा है तू? ध्यान से करो इसको। यस ऋषभ ने सही बताया 125 250 125 ठीक है। तुम ना चीजों को क्राम कर लेते हो, मैंने देखा है। पहले मैंने वो दूसरी तरह के क्वेश्चन करवाए, अब उसमें दोनों इक्वल इक्वल आ रहे थे तो आधे बच्चों ने अब इसमें इक्वल इक्वल लिख दिया, अब इसमें वो आंसर आ रहा है जो तुम पहले लिख रहे थे। थोड़ा दिमाग लगा के करो, क्राम क्यों कर रहे हो चीजों को? क्राम करने की क्या जरूरत है बच्चों, समझ के करो चीजों को। इतने इजी क्वेश्चन है। राइट आंसर है बच्चों 125 250 125 ठीक है जी, समझ में आया? क्लियर? कंफ्यूज हो जाते हो तुम। चलो जी, ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन बच्चों। तो जल्दी से बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितने बच्चों को समझ में आ गया send the heart with the plus sign in the chat box with the feeling of future doctors. Yes बच्चा पार्टी। तो बच्चों आज हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस पढ़ा। बच्चों कल के सेशन में संडे को हम मल्टीपल एलील करने वाले हैं, और कल का सेशन बहुत जबरदस्त होगा। ब्लड ग्रुप हम करेंगे, ठीक है? सारे बच्चों को हर साल ये बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं ब्लड ग्रुप, तो कल हम ब्लड ग्रुप्स पढ़ेंगे, ठीक है? ओके, तो बच्चों नीट प्रो सब्सक्रिप्शन के ऊपर 50% डिस्काउंट है बच्चों। जल्दी से जिन्होंने नहीं लिया वो ये डिस्काउंट ले सकते हैं। SAG प्रो कोड अप्लाई करना है आपको, और जस्ट फॉर 3750 के लिए बच्चों, ठीक है? एंड बच्चों नीट क्रैश कोर्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, SAG नीट कोड है इसके लिए। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। क्लियर? एंड बच्चों ये है वेदांतु की ऐप, और इस ऐप को भी सारे बच्चे डाउनलोड कर लीजिए, राइट? चलिए बच्चों, That's all for the today session बच्चों। पीजे अरे रोज पीजे पीजे, ऐसे पीजे कहाँ से? मोटे हो जाओगे पीजे खा खा के, हो गया पीजे। चलो जी, सो बच्चों ओके, दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन बच्चों। अच्छे से सारे बच्चे पढ़ाई करना, और कल संडे है, कल को हम करेंगे हमारा मल्टीपल एलील एंड ब्लड ग्रुप, ठीक है बच्चों? दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन बच्चों। थैंक यू सो मच, बी हैप्पी, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।